दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग एक बहुत खतरनाक मुकाम पर हैं। समूचा देश, समूची आवाम और पूरी सभ्यता महामारी फैल रही है बहुत तेजी से, तूफान की गति से। संक्रमण की जो संख्या है उसका जो ग्राफ है वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है। मौतें भी जो दर्ज हो रही हैं उनकी तादाद भी अब बढ़ने लगी है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक स्थिति यह है कि अपने मुल्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, स्वास्थ्य सेवाओं का, वो कहीं दर्शनीय नहीं है। जो पहले से है वो बहुत बेहाल है, नया कुछ है नहीं। अगर सिर्फ इस देश में केरल को छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता है कि सचमुच हमारे राष्ट्र राज्य ने ये कह दिया है लोगों को कि आप आत्मनिर्भर रहो। देश की आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, लोगों की आत्मनिर्भरता की बात है कि भाई तुम अपने ऊपर निर्भर रहो, अपनी जिंदगी बचाने के लिए या मौत को गले लगाने के लिए। ये हालात आज पैदा हो गए हैं। तो केरल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का, स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं देश पैमाने पर हर राज्य में हुई, इसके बारे में हमारे देश के अवाम ने, दूसरे सूबों में लोगों ने आमतौर पर सोचा नहीं। और जब नहीं सोचा तो वो धर्म, जात, बिरादरी, मंदिर, मस्जिद, इन्हीं चीज़ों में फंसे रहे। और नतीजा यह है कि ये महामारी आई और इस महामारी ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। सारे के सारे उन बने बनाए जो राजनीतिक दुष्प्रचार पर आधारित जो मानदंड थे हमारी समाज व्यवस्था के, उनको ऐसा लगता है कि एक बार यही ख़त्म कर दिया है। उनको बताया है कि कितने इररिलेवेंट वो सारी चीज़ें थीं। असल जो चीज़ें थीं वो स्वास्थ्य सेवाएं थीं, शिक्षा थी, समझदारी थी, इस पर काम नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन इन चीज़ों के साथ एक और बड़ी चीज़ हो रही है इस महामारी के दौर में, और वो है हमारी डेमोक्रेसी का लगातार सिमटते जाना। हमारे देश में जो डेमोक्रेसी का स्पेस था, जो पहले भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही सुंदर, बहुत ही व्यापक और बहुत ही चमकीला था, लेकिन जो भी था वो लगातार तेजी से सिमट रहा है। कहाँ जाकर ये खत्म होगा? क्या एक पूरा अंधेरा छा जाएगा? क्या हमारी संवैधानिकता वाकई उसका पूरी तरह विलोप हो जाएगा औपचारिक तौर पे? ये कोई नहीं जानता। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश के दो नामी गिरामी बेहद प्रतिष्ठित पत्रकार विनोद दुआ, उनको आपके जनरेशन के लोगों ने, आपसे पहले की भी जनरेशन के लोगों ने, खासकर नौजवानों को मैं एड्रेस कर रहा हूं, तो दो तीन जनरेशन के लोग जो इस वक्त हैं, नौजवान हैं, अधेड़ हैं और बुजुर्ग भी हैं, इन सब ने विनोद दुआ को टेलीविजन पर देखा होगा, दूरदर्शन के जमाने से लेकर और प्राइवेट चैनलों के जमाने तक। उनको FIR आया है, उन पर FIR दर्ज कराया गया है, और FIR जो दर्ज कराया गया है उसमें उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जो ब्रांच है, दिल्ली जो यूनिट है, उसके स्पोक्स पर्सन ने ये FIR कराया है, यानी सीधे सत्तारूढ़ दल है। इस बार कोई ये नहीं कह सकता कि साहब इधर से है, उधर से है, बाएं से है, दाएं से है, सीधे सत्तारूढ़ दल ने कराया है। और दिलचस्प बात यह है कि विनोद दुआ पर कोरोना के इस दौर में, महामारी के इस दौर में, चिंता भारतीय जनता पार्टी को, चिंता सरकार को, चिंता सियासत को, चिंता तमाम लोगों को होनी चाहिए लोगों को बचाने की, लेकिन उन जनाब विनोद दुआ पर जो लगाया गया है सेक्शन 290 IPC का, 505 2, और इसके तहत उन पर झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप है कि वो लोगों में, समाज में झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। और क्या फैला रहे हैं वो अगर आप सुनेंगे तो बड़े हास्यास्पद चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर और तमाम मध्य प्रदेश के तमाम सियासी किरदारों के बारे में जो कुछ टिप्पणियां उनकी हैं उनके बारे में भी कहा गया है, और वो टिप्पणियां, आप अगर सच और झूठ के मुहावरे में देखना चाहें तो आप पता कर सकते हैं कि वो क्या है। सारा डिटेल सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, उन्होंने जिस YouTube चैनल पर अपना प्रोग्राम पेश किया उस पर है।
हमारे पास समय कम है इसलिए हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन आकार पटेल दूसरे पत्रकार हैं देश के, वो भी एक जाने माने पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर और तमाम अखबारों में कॉलम लिखते रहे हैं। हालांकि इधर उनका आकार पटेल का टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम आना नहीं दिखता है, लेकिन वो केवल एक बड़े पत्रकार ही नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक स्वतंत्र व्यक्ति भी हैं, एक स्वतंत्र चेता व्यक्ति हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल के वो इंडिया में हेड भी रह चुके हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगाया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। उन पर सेक्शन 505 1B 153 117 IPC की धाराएं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों पत्रकारों पर जो FIR हुए हैं, एक पर क्राइम ब्रांच में पुलिस के दिल्ली में कराया गया है और दूसरे पर पुलिस ने स्वयं किया है बंगलुरु में, और ये बिल्कुल आसपास, बिल्कुल लगभग ऐसा लगता है कि जैसे एक के बाद एक हुए हैं। दोस्तों ये कोई नई कहानी नहीं है, हमारे देश में पहले सोशल एक्टिविस्ट खासकर जो CA NRC वगैरह की मुखालफत कर रहे थे उनको दिल्ली के दंगों में फंसाया गया। हम सब आप जानते हैं कि उसमें सफुरा जारगर जो एक जामिया की MPhil स्टूडेंट हैं और मैरिड हैं, वो उनकी वो स्वयं प्रेग्नेंट हैं, लेकिन इस दौरान जबकि वो बेहद इस समय बीमार भी बताई जाती हैं, लेकिन वो जेल में डाल दी गई हैं और उनकी जमानत भी नहीं हुई। और जिन दो लड़कियों, जो पिंजरा तोल ग्रुप की जो दो लड़कियां हैं उनकी जमानत हुई तो उन पर दूसरे मामले थोप दिए गए। तो ये एक्टिविस्ट जो हैं उनकी गिरफ्तारियों का दौर खत्म नहीं हुआ है, न जाने कितने कई दर्जन जो एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, वो जेलों में हैं। और दूसरी तरफ नया जो सिलसिला शुरू हुआ है कोरोना दौर में, इस महामारी में, पत्रकारों को FIR उन पर करना, कुछ पर गिरफ्तारी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि गुजरात के पत्रकार एक हैं धवल पटेल, उनको हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने पॉलिटिकल स्पेकुलेटिव स्टोरी की थी, एक अंदाज लगाया था कि शायद राजनीतिक बदलाव तो नहीं गुजरात में हो जा रहा है, होने वाला है, क्योंकि कोरोना को लेकर जो सरकार है उसके जो मुखिया हैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की थी। आपको हो सकता है नागवार गुजरी हो ये बात, लेकिन गिरफ्तारी तो कोई समाधान नहीं है। ठीक उसी तरह से तमिलनाडु के एक पत्रकार हैं एंड्रयू राजा पांडियन, ये भी एक न्यूज वेबसाइट के एडिटर हैं, इन्होंने डॉक्टरों को अस्पताल में PPE नहीं मिल रहा है इस पर स्टोरी की, इस पर एडिटोरियल कमेंट लिखे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कमाल की बात है। अब ये दुनिया के किस डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा आपने देखा होगा, वो भी महामारी के इस दौर में, जब मनुष्यता को, अपनी आवाम को, अपनी नागरिकता को बचाने की कोशिश पुरजोर करनी चाहिए, उस पर सारी सरकारों ने एक दो को छोड़कर सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। सबने मान लिया है कि लोग, नागरिक जो है VIPs के अलावा जो आम लोग हैं वो आत्मनिर्भर रहे, यानी अपने ऊपर, उनको जिंदा रहना है तो अपनी कोशिश करें, अगर मरना है तो अपने ओर से मौत का आलिंगन करें। उस दौर में आप उन लोगों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, उन पर FIR कर रहे हैं जो इस सच को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तथ्यों की रोशनी में आज की जो महामारी के दौरान जो जटिलता है, जो समस्या है, जो चुनौतियां हैं और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। वो ऐसा नहीं कि किसी बड़े नेता, किसी सरकार के ओहदेदार को कोई एब्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो कोई गलत बात नहीं करें, कोई अनपार्लियामेंट्री बात नहीं कर रहे हैं, वो हरियाणा की BJP की नेता की तरह किसी मंडी मार्केटिंग किसी समिति के किसी सेक्रेटरी को जूते और चप्पल से मार भी नहीं रहे हैं। कल्पना कीजिए कि BJP की एक महिला कार्यकर्ता जाती है जो चुनाव लड़ चुकी है BJP के टिकट पर, और वो एक मार्केटिंग बोर्ड है जहां 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 बाजार लगता है उसका एक सचिव है मंडी का, उसको वो चप्पल से पिटाई करती है, पूरे देश में वीडियो उनका वायरल हो जाता है, लेकिन आप किन लोगों को FIR कर रहे हैं, आपका किन पर जोर है जो सच को जनता के सामने रख रहे हैं। ताज्जुब की बात है। और मैं समझता हूं दोस्तों इससे भी कम खतरनाक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे गरीब घर के लड़के, मजदूर जो अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं, उन पर 307 की केसेज हो रही हैं अगर वो संक्रमित निकल आते हैं तो। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में दो लड़कों को, अभी अल्मोड़ा में दो दिन पहले एक लड़के को, जो मजदूर है या कर्मचारी है, वो दिल्ली से गया था अपने घर लौटकर, क्योंकि यहाँ महामारी बहुत तेज है, वहाँ कारखाना या उसका कामकाज बंद है, इन सब पर वहाँ
307 लगाई गई है, 307 जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर की बात है, और आपदा प्रबंधन कानून के कानून लगाए गए हैं कि इन्होंने छुपाई है अपनी बात, बहुतों को तो मालूम भी नहीं रहा था कि वो संक्रमित हैं। तो ये हाल जो इस समय चल रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत ही खौफनाक है। इसके पहले हम जानते हैं कि सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर के एडिटर इन चीफ, फाउंडर, फाउंडिंग एडिटर, उनके खिलाफ FIR। सहारनपुर में रविंद्र सक्सेना, एक दूसरे पत्रकार जो ग्रासरूट पर, जमीनी स्तर पर जो काम करने वाले पत्रकार लोग हैं, इनको, इन पर भी FIR। FIR किस लिए? उन्होंने भी वही सवाल उठाया PPE से लेकर और तमाम चीजों का। तो हमारा ये कहना है कि किसी पत्रकार की रिपोर्टिंग से सरकार को अगर अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना रिजाइंडर दे सकते हैं, खंडन दे सकते हैं, लेकिन FIR, क्या इस देश को FIR रिपब्लिक बनाएंगे? क्या इस देश को आप गिरफ्तारियों का रिपब्लिक बनाएंगे? क्या है, क्या लोकतंत्र इस तरह जीवित रहेगा? और वो भी महामारी के दौर में। हमारी प्राथमिकता महामारी से लोगों को बचाने की है या उन लोगों को जो आपसे असहमत हैं, जिनको आप समझते हैं कि ये सच को जनता के सामने ले जाएंगे, आप उनको हिरासत में लेंगे? आकार पटेल पर आप कह रहे हैं कि वो भड़का रहे हैं जनता को अमेरिका की तरह बवाल करने के लिए। अमेरिका की हिंसा का तो उन्होंने समर्थन नहीं किया है। अमेरिका में अगर कुछ लोग हिंसा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसका नहीं किया है। उन्होंने प्रोटेस्ट के बारे में कहा है, कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट की बात की है, और उनका जो कंटेंट है अगर आप देखा जाए, उनकी जो पूरी भावना है उसको अगर देखा जाए, उसमें क्या ऐसा गैर जरूरी लग रहा है लोगों को, तो बहुत ही चकित करने वाली बात है। और वो भी दोनों बेहद प्रतिष्ठित पत्रकार जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं समझता हूं ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। इस पर सत्ता को, आवाम को, समाज को, सबको सोचना चाहिए। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।